मोदी सरकार मई 2019 में दोबारा केंद्र की सत्ता में आई थी। नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस बात को एक साल पूरे हो चुके हैं। इस एक साल में सरकार ने महिलाओं, बच्चों और सेक्सुअल माइनॉरिटीज से जुड़े कौन कौन से बड़े निर्णय लिए, कौन से महत्वपूर्ण बिल पेश किए और पास कराए, इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं कुछ कामयाबियों की। सबसे पहले तो बड़े निर्णय और बिलों की बात। लोकसभा राज्यसभा में सरकार ने जो बिल पेश किए या संसद में पास कराए, महिलाओं, बच्चों, सेक्सुअल माइनॉरिटीज और उसके उनके अधिकारों से जुड़े, वो जान लीजिए। पहला बिल, सरोगेसी रेगुलेशन बिल, कब पेश हुआ? 15 जुलाई 2019। कब पास हुआ? लोकसभा में 5 अगस्त 2019, राज्यसभा में पेंडिंग है। क्या है इसमें? लोकसभा में पास हुए इस बिल में सरोगेसी को लेकर नए नियम कानून की बात है। सिर्फ मदद करने के लिए ही सरोगेसी का ऑप्शन खुला रह गया, कई दूसरी शर्तें लगाई गई ताकि कमर्शियल सरोगेसी पर लगाम लगाई जा सके। लोकसभा में जब ये बिल पास हुआ तो उसमें ये नियम बनाए गए कि शादीशुदा जोड़े ही सरोगेट मदर से बच्चा करवा सकते हैं, दोनों की शादी को कम से कम 5 साल हो चुकना जरूरी है इत्यादि। बिल जब राज्यसभा में भेजा गया तो वहां पर मांग हुई कि इसमें बदलाव किए जाएं। बिल सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया, उन्होंने बदलाव सुझाया कि शादी के 5 साल तक इंतजार करने की शर्त हटा दी जाए, सिंगल औरतों और भारतीय मूल के जोड़ों को सरोगेसी का फायदा उठाने दिया जाए। अभी बिल राज्यसभा में पास होने का इंतजार कर रहा है। दूसरा बिल पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट, कब पेश हुआ ये? 18 जुलाई 2019। कब पास हुआ? राज्यसभा में 24 जुलाई 2019, लोकसभा में 1 अगस्त 2019। क्या है इसमें? बच्चों के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। अगर बच्चा मानसिक रूप से बीमार है या बच्चे से यौन अपराध करने वाला सैनिक, सरकारी अधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर बच्चा भरोसा करता है, जैसे रिश्तेदार, पुलिस अफसर, टीचर या डॉक्टर, तो उसे और संगीन अपराध माना जाएगा। अब इस एक्ट की कुछ धाराओं में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा तक का प्रावधान कर दिया गया है। इस एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई आदमी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी सजा का प्रावधान होगा। तीसरा बिल है ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कब पेश हुआ? 19 जुलाई 2019। कब पास हुआ? लोकसभा में 5 अगस्त 2019, राज्यसभा में 26 नवंबर 2019। क्या है इसमें? इस बिल में यह प्रावधान है कि ट्रांसजेंडर्स का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक शोषण नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा और फाइन लगाने का प्रावधान है। इसके साथ ही इस बिल में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और सचिवों के साथ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन बनाने का भी प्रावधान है, जिसमें नीति आयोग के सदस्य, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 लोग और एनजीओ से जुड़े 5 लोग शामिल किए जाएंगे। चौथा बिल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल, कब पेश हुआ? 2 मार्च 2020। कब पास हुआ? लोकसभा में 17 मार्च 2020, राज्यसभा में पेंडिंग है। क्या है इसमें? 1971 के गर्भपात कानून में गर्भपात की अवधि थी 12 हफ्तों की। खास केसों में बढ़ाकर इसे 20 हफ्ते तक किया जा सकता था। ये प्रावधान था कि शादीशुदा महिलाएं ही गर्भपात करवा सकती थी अगर गर्भ निरोध फेल हो गया हो तो, लेकिन संशोधन में इसे बदलकर महिला और उसका पार्टनर कर दिया गया है। गर्भपात करवाने की ऊपरी लिमिट भी 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी गई है इस संशोधन में, कुछ नियमों के साथ। संशोधन में यह भी कहा गया है कि जिन मामलों में गर्भपात बिल्कुल जरूरी है और उसे टाला नहीं जा सकता, ऐसे मामलों में ऊपरी लिमिट हटा दी जाएगी। इनको जांचने पर रखने के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा हर राज्य में। पांचवा बिल है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART रेगुलेशन बिल 2020, कब पेश हुआ? अभी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है, सदन में ये बिल पेश होना था लेकिन हो नहीं सका। क्या है इसमें? ये बिल गर्भाधान के आर्टिफिशियल तरीकों को लेकर नियम कानून सख्त रखने के लिए बनाया गया है। 2008 में इसे प्रपोज किया गया था, तब से लेकर अभी तक इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। अब इसके आखिरी वर्जन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2008 से चले आ रहे इस बिल में प्रावधान है कि केंद्र सरकार नेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नाम से एक बोर्ड बनाएगी। ये बोर्ड इस बात का ध्यान रखेगा कि आर्ट दिलाने वाले क्लिनिक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। जितने भी क्लिनिक्स आर्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। वीर्य बैंक और मानव भ्रूण पर रिसर्च कर रहे क्लिनिक को भी खुद को रजिस्टर कराना जरूरी होगा। अब बात करते हैं कुछ नाकामियों की। ट्रांसजेंडर बिल के पास होने पर इसी समुदाय के कई लोगों ने काफी ज्यादा विरोध किया। सांसदों ने इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग रखी, लेकिन उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट का आरोप है कि उन्होंने सरकार को एक लिस्ट दी थी अपनी मांगों की, जिस समुदाय को ध्यान में रखते हुए बिल पास किया गया, उसी समुदाय के लोग अभी तक इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बिल को और सुधारा जा सकता था।
सर्वविशी रेगुलेशन बिल में भी लोगों ने आपत्तियां उठाई। उसमें शादीशुदा जोड़े और करीब रिश्तेदार के ही सरोगेट बनने के प्रावधान थे, उस पर भी खूब बवाल हुआ। सेलेक्ट कमेटी ने इसमें बदलाव प्रस्तावित किए हैं, लेकिन अभी तक ये बिल बदलावों के साथ राज्यसभा में पास नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं एक साल में किए सरकार के कामों पर। हमारे पहले एक्सपर्ट है आनंद मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, उनकी बात सुनिए। एक बात की इसमें कॉन्सेप्ट था प्रूवन इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी हटा दिया। हाँ। तो प्रूवन इनफर्टिलिटी होता था कि तुम 5 साल तक विदाउट पिल्स मतलब विदाउट प्रोटेक्शन तुम अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो और तब भी तुम्हारा बच्चा नहीं हो पाता तो यू विल बी प्रूव्ड इनफर्टाइल एंड यू कैन अप्रोच अंडर द अर्लियर एक्ट तुम सरोगेट मदर के लिए अप्लाई कर सकते हो अंटिल एंड अनलेस तुम 5 साल उसे ट्राई करो। ठीक है, दिस इज वेरी अनजस्टिफाइड कि सपोज करो आप इन अ फ्री सोसाइटी जहां पे व्हाई डू यू हैव टू गो एंड ट्राई फॉर 5 years नहीं हो रहा उसके बाद एट द एंड आई हैव लॉस्ट 5 years। Yeah. अगर मेरा आफ्टर 1 year मेडिकल कंडीशन है जिस भी कंडीशन में मेरे को मालूम चल जाए कि भैया कि मेरा बच्चा नहीं हो सकता आई शुड इमीडिएटली गो फॉर सरोगेसी क्योंकि यहाँ पे टाइम इज वेरी एसेंशियल इन एवरीथिंग। क्योंकि बच्चे के साथ क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें बच्चा जब पैदा होता है एक इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ फैमिली और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फैमिली की बच्चे से खत्म होती है। ठीक है, तो इस नए एक्ट के अंदर प्रूवन इनफर्टिलिटी हटा दिया। नाउ दे से यू डोंट नीड टू प्रूव कि तुम 5 साल से ट्राई कर रहे हो तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ। पर ये सिलेक्ट कमेटी, ये जो सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया था ना उस उन्होंने ये चीज हटाई है। जब प्रपोज किया था इन्होंने तब इन्होंने वो रखा था सिलेक्ट कमेटी। जब राज्यसभा में जब ये बिल पेश हुआ तो फिर ये उन्होंने कहा कि सिलेक्ट कमेटी के पास इसको भेजा जाना चाहिए क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो सिलेक्ट कमेटी ने ये चेंजेस वो किए हैं, सजेस्ट किए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो हम तो वही बात कर रहे हैं जो फाइनल सिलेक्ट कमेटी ने जो प्रपोज किया। हाँ, पर वो होता है कि नहीं एडमिट वो वाली चीज राज्यसभा में पास होने के बाद पता चलेगी। बिल्कुल, वो चेंजेस एडमिट करते हैं कि नहीं करते हैं। बट अभी जो प्रपोज्ड है वो प्रूवन इनफर्टिलिटी वाली विच इट इज अ वेरी गुड थिंग किसे हटा दिया है। आई बिलीव कि फ्री सोसाइटी के अंदर हमें फ्रीडम होनी चाहिए टू डू एनीथिंग वी वांट। जी, अनलेस एंड यू आर नॉट हार्मिंग समवन। सो दिस लॉ आई विल डेफिनेटली सपोर्ट इट। इसके क्या होता है लॉ में ना करने का एक पार्ट होता है डेटरेंस। लॉ को आप तुम इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि लोग डरे उसे करने से। जबकि डेटरेंस कितना काम करता है ये बहुत डिस्प्यूटेड है। रीजन है कि जो क्राइम करने वाला है जो पॉक्सो वॉक्सो के मैक्सिमम जो आजकल की कोर्टों में हम देखते हैं और पॉक्सो कोर्ट में जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जितने भी लोअर मिडिल क्लास अनअवेयर अबाउट द सोसाइटी अनएजुकेटेड लोग है वो सब लोग ये ज्यादा कर रहे हैं। तो डेटरेंस तो एक पार्ट है लॉ को कम करने, बट डेटरेंस इज नॉट द ओनली पार्ट जिससे ये क्राइम कम होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? थ्रू टीचिंग, थ्रू टेलिंग देम कि अगर कोई डिफॉर्मिटी है और या फिर रिस्क हुआ मदर है अगर उसे हम टर्मिनेट कर देते हैं तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट। और बहुत सारे जो फॉरेन लॉज है उसके अंदर भी यही सेम लॉ है। तो द गवर्नमेंट अब अच्छा दूसरी चीज जो है जो हम जितने भी मूवमेंट है जितनी भी चीजें तो प्रेजेंट लाइफ जो वुमेन की है जो वुमेन जी रही है जो प्रेग्नेंट है हर लाइफ इज टेकिंग एट अ बेटर फुटिंग देन अ लाइफ ऑफ अ पर्सन जो अभी बॉर्न नहीं हुआ है। जी ठीक है, तो इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग जो इस गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है और होना भी चाहिए इस चीज के लिए। हमारे दूसरी एक्सपर्ट है देविका गौड़, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स में इन्होंने काफी काम किया है। इन्होंने क्या कहा खुद सुनिए। Common surgery, if you have to change your gender, you have to provide these medical documents. Okay. So therefore, the main implication is that you can get this change of identification of gender. It would get changed only after the psychological or medical treatment. That goes totally against the human rights principles of self-recognition, gender identity. Okay. This okay. is my very main concern. आपने एक्सपर्ट्स की बात सुनी, उन्होंने क्या कहा सरकार के 1 साल के काम के बारे में। आप खुद क्या सोचते हैं सरकार के 1 साल के काम के बारे में जो उन्होंने महिलाओं और बच्चों से जुड़े काम किए उस पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताएं। बाकी देखते रहे दी लल्लन टॉप। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारी साथी प्रेरणा ने, शुक्रिया।